हटो ना। हट रहो भाई हट रहो। क्या अभी बीच बीच में आ रहे, यहाँ पे भी है कचरा, हटो। तुम्हें क्या लगता है, तुम बोलोगी वो मैं करता रहूंगा? इस घर की रोज की झिक 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 से ना मैं कंटाल गई हूँ। नहीं करना है मुझे काम, कल से दूसरी बाई देख लो। मत करो काम, जाओ जाओ अभी जाओ, गेट आउट आउट। ओ हेलो, कहाँ गई विनंती? निकाल दिया। क्या? निकाल दिया। अरे भाई सेठ हूँ मैं घर का, निकाल दिया। तुमने भाई को निकाल दिया? भाई के बिना जिंदगी कैसे चलेगी हमारी? ए चाको, एकदम स्मूदम स्मूथ चलेगी। तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने मुझे बगैर भाई के ही बड़ा किया है। तुम ना अपनी मम्मी के साथ मुझे कंपेयर मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। इतने बड़े हो गए हो फिर भी मम्मी मम्मी मम्मी। चाकू, अरे एक बाई गई है उसमें इतना क्यों रूठ रही हो मेरी रानी? ये रानी इसलिए बोलती हो क्योंकि नौकरानी बोलना लंबा पड़ता है, वरना बीवी को तो नौकरानी समझते हो ना। चाकू, एक बाई गई है, तुम्हारा पति छोड़ के नहीं गया है? वही तो। नो 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 चाकू, तुम कितनी बदल गई हो, शादी के पहले बिल्कुल ऐसी नहीं थी। क्योंकि शादी से पहले हमारे बीच काम वाली बाई नहीं थी। काम वाली बाई के बिन गुजारा कैसे होगा? ओ बाबूजी, हो जाएगा हो जाएगा, बुप्पी टंडन के रहते कोई काम अधूरा रह जाए ये हो ही नहीं सकता। मैं क्या जी? हाँ जी। हेलो लड्डू। लड्डू किस लिए भाई? आज हमारे घर की 15वीं सालगिरह है, इस खुशी में लड्डू। अरे वाह वाह, फिर तो 15 झप्पी भी बनते हैं। अरे भाई, इस चिंकी की बच्ची को हॉस्टल में डाल दो, जब देखो इधर ही घूमती रहती है और किसी भी अच्छे सीन में वैधानिक चेतावनी की तरह आ जाती है। बोलो लड्डू। मुझे ये वाला नया फोन चाहिए, लेटेस्ट मॉडल है, सिर्फ 1 लाख का है। सिर्फ 1 लाख का? क्यों तेरा फोन नहीं चल रहा? पापा इसमें सिर्फ 16 GB मेमोरी है। अब आप सोचिए 4 एप्लीकेशन में मैं अपनी पूरी टीनेज लाइफ कैसे निकालूंगी? उधर देख, मैंने 1 BB में पूरी जिंदगी निकाल दी। तो इट्स योर फॉल्ट ना, आप हर स्पेशल डे पे गिफ्ट दिलाते हैं और आज हमारे घर का 15th बर्थडे, मुझे नया फोन चाहिए प्लीज। नई डील, नया फोन, डील, बिग डील। अच्छा सुनिए जी, मैं कह रही थी कि आज है ना मैंने हमारी सोसाइटी के कुछ लोगों को डिनर पे बुलाया है, रूपल, परिमल, मिस्टर मिसेस कुलकर्णी और गोल्डी। क्यों? और क्यों कहा जी, एक औरत होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। तुम गोल्डी को 3 वक्त का खाना खिलाती हो ना? हाँ जी। वो 100 गाय को घास खिलाने के बराबर है। गुड मॉर्निंग। लो आ गई गाय, तुम्हारे पुण्य कमाने का जैकपॉट, महा जैकपॉट। छट्टू जी, आप मुझे याद कर रहे थे? जी, वो क्या है ना, रात की बिरयानी थोड़ी बच गई थी तो हमने सोचा आपको खिला दें, क्योंकि सोसाइटी का टॉमी तो खाने वाला है नहीं, उसे फ्रेश खाने की आदत है। गेटिंग फ्रेश, हां हां, यू गॉट इट। भाभी इन्हें छोड़ो, आपके लिए मैं कुछ लाया हूं। क्या क्या क्या? देन टाडा, क्या भाई? घर के 15th बर्थडे के लिए एक गिफ्ट। अरे वाह जी वाह, ये तो टिफिन है। गोल्डी गोल्डी, इनके लिए? ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। अच्छा, वो क्या है ना कि आप मेरे घर पे छोटी छोटी कटोरियों में खाना भेजते हैं ना, जो कभी वापस नहीं आती, इसीलिए मैं ये टिफिन लाया हूँ ताकि आपकी कटोरी आपके घर में सलामत रहे। वही तो हम भी चाहते हैं, तू सलामत रहे। हा? मतलब तू सलामत रहे। गेटिंग फ्रेश अगेन। अरे मेरे स्कूटर की, अरे मुझे इसकी की जरूरत है। डू यू माइंड, मैं तुम्हारा स्कूटर चला सकता हूँ? हाँ चला सकते हो, लेकिन आप पेट्रोल नहीं भरवाते हो। नहीं, इस बार टैंक फुल करवा दूंगा। भाई इसका भी टैंक फुल करा दे। चलो भाभी नाश्ता ठंडा हो रहा है। सारे धुले हुए कपड़ों का ढेर यहाँ पर पड़ा है, वहाँ सिंक में बर्तनों का ढेर पड़ा है धोने के लिए। बाई के बिना घर का सारा काम कैसे होगा? अरे तुम टेंशन मत लो, जितनी हमें बाई की जरूरत है, बाई को भी तो काम की जरूरत है ना। ओ हेलो, बाइयों को दूसरा काम ना यूं मिल जाता है। तुम देखती जाओ, कल सुबह तक विनंती बाई यहाँ आएगी और विनंती करके बोलेगी कि मुझे काम पे रख लो। और हमारे बिल्डिंग में सबके घर पे बाई है, नीतू भाभी उसे काम देगी नहीं क्योंकि नीतू भाभी को बाई की जरूरत ही नहीं है, समझो? हाँ
वैसे मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत तो है नहीं। हाँ। क्या, जब तक बाई नहीं आएगी घर का सारा काम, झाड़ू करना, पोछा, बर्तन, ये कपड़े सुखाना, वो सब तो तुम ही करोगे। क्यों, बाई को किसे निकाला? अरे रूपल, लेकिन शेयर बाजार का शेर घर का काम करेगा, कैसा लगेगा? अच्छा, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। चाकू, इतनी सी बात में पापा कहाँ से आ गए बीच में? घर का बहुत सारा काम कर रहा हूँ भाई, खुद के घर का काम करने में शर्म कैसी कर रहा हूँ। ये भाई के चक्कर में ना मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तुम्हारा वॉलेट कहाँ है? क्यों, मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी और डिप्रेशन हो रहा है। अरे पान पान, अरे हे भगवान, ये बाइक को वापस भेजो वरना रूपल मेरी बैंड बजा देगी। और ये भाव भी। हेलो पापा, कर रहा हूँ, प्लीज बोल रहा हूँ, भगवान प्लीज बाइक को वापस भेज दो, मैं सिद्धि विनायक तक बर्तन धोते धोते आऊंगा बस। बाबा सेवरन कहते हैं ऊपर वाला मदद का होल सेलर है और हम मनुष्य ऊपर वाले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। टाइम प्लीज बाबा जी। आ रही हैं भाई, आ रही हैं। कौन है? बाई, 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 बाई। आपको काम वाली बाई चाहिए? मुझे काम चाहिए। पर घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। आपको कितने पैसे मिलते हैं? तो घर का काम करने में मुझे आनंद मिलता है। क्यों है बहन, तुसे रो क्यों रहे हो? ठीक है, मुझे काम पे मत रखो। मैं, हाँ ये अपना मंगलसूत्र बेच के मैं अपने घर, टीवी और फ्रिज का लोन चुका दूंगी। अपनी किडनी बेच के अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भर दूंगी। रब्बा, क्या बोल रहे हो आप? आओ अंदर, अंदर बैठो, बैठो, बैठो। नहीं रो नहीं, रो नहीं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाय पियोगी, कॉफी पियोगी? नहीं, वो नौकरी लूंगी। वो क्या है ना कि मुझे इधर का उधर करने की आदत तो है नहीं, फिर भी वो रूपल भाभी के सामने परिमल भाई जी की कुछ चलती नहीं है और वो सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालते है। ऊपर से रूपल भाभी का खाना खाना पड़ता है, आपको पता है ना कैसा खाना बनाती है? हॉरिबल। हाँ, एकदम खतरनाक बनाती है। जाओ अपना काम करो। देखो रूपल की बुराई तो मेरे सामने करना नहीं, दोस्त है मेरी और मेरे हिसाब से ना बड़ा क्यूट कपल है। है ना, क्यूट कपल है। पति पत्नी के लफड़े में आप उनको क्या। फिर भी भाभी एक काम दो ना प्लीज। प्लीज, अगर आप किसी की मदद करोगे तो ऊपर वाला आपको अच्छा वक्त देगा। ये थॉट थोड़ा ओल्ड स्कूल है लेकिन कर्मा का यही रूल है। सत्य वचन बाबा जी, सत्य वचन। विनंती, तुम काम पे रह जा। सच? हाँ बाबा जी। मैं काम करूं? हाँ। मुझे झाड़ू दीजिए, मैं झाड़ू लगाती हूँ। लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। फिर पोछा हो गया, बर्तन, बर्तन करती हूँ ना, धो दिए। तो कपड़े, वो तो सूख भी गए होंगे। तो मैं काम करूँ तो क्या करूँ? तो एक काम कर, तू बैठ जा। मैंने सेवैया बनाई है, मैं तेरे लिए सेवैया लेकर आती हूँ, तो खा आराम नाल। और मैं अब भी आई। देवा रे देवा, आज तक सेवैया और सम्मान एक साथ कभी किसी ने नहीं दिया मुझे। घर के बाहर जाके काम करो और पैसे बनाओ, घर के अंदर साफ सफाई का काम करो, कपड़े घड़ी करो, बर्तन मांजो। इतना भी काम रूपल नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। चाकू, अब पता चला बिना भाई के घर में कितना सारा काम होता है? बहुत होता है भाई। तो किसने बोला था भाई को नौकरी से निकालने के लिए? यूं क्या हो जाएगा? यूं 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 करो, यूं यूं। कर रहा हूं, कर रहा हूं। तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, भूपी भाई के वहाँ पार्टी में जाना है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। ओ हेलो, पहले घर का सारा काम खत्म करो, उसके बाद ही डिनर पे लेकर जाऊंगी। हाँ। तो सुनो, अगर घर का सारा काम खत्म नहीं किया ना तो बाथरूम में। अरे वाह, क्या तकदीर है तेरी, ये विघ्न विनाशक गणेश बापा, जल्दी से बाई भेजो और ये विघ्न दूर करो प्लीज। ओए नीतू, ओ मैं घर आ गया भाई, पानी पिलाओ। अरे विनंती भाई, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी सेवा।
नीतू। अरे आ गए आप, सरप्राइज है ना। वो मैंने ना विनंती को काम पे रख लिया जी। पर ये तो परिमल के यहाँ काम करती है ना? करती थी, अभी नहीं करती हूँ। अच्छा, क्यों? वो क्या है ना कि मुझे यहाँ की बात वहाँ करने की वैसे तो आदत है नहीं, पर वो पति पत्नी है ना, उन दोनों के बीच दिन रात किच 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 इतना ज्यादा किचकिच? हाँ, इसीलिए छोड़ दिया। नहीं, बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ उतना ज्यादा किचकिच 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 किच नहीं होती है। थैंक यू, आपके लिए चाय लाऊं? ले, ले। अरे नीतू। हाँ जी। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि काम वाली बाई रख ली है ना। मुझे वैसे जरूरत तो नहीं थी, पर बाबा जी ने मुझसे कहा था। बाबा जी ने कहा था कि काम वाली बाई रख लो? नहीं, बाबा जी ने कहा था कि हम वक्त पर किसी जरूरतमंद के काम आते हैं ना, तो वो ऊपर वाला है ना, वो हमारे लिए जरूर कुछ अच्छा करता है जी। वैसे जरूरतमंद तो मैं भी हूँ। फोन बज गया जी। ये रूपल के पापा मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? बात कर लीजिए। हेलो। हाँ हाँ, बोले, मेरी याद कैसे आ गई? अच्छा अच्छा, पेरिस की याद आई, तो घूम आइए। हाँ बोलिए, बुकिंग करा देता हूँ। 25 लोगों की ट्रैवल एंड टूर करवा देता हूँ। नहीं नहीं, एडवांस की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप रूपल के पापा हैं, वैसे ही मेरे पापा, घर की बात है। हाँ हाँ, चेक चलेगा, भेजवा दीजिएगा 2-3 दिनों में, पर भेजवा दीजिएगा जी। बाय बाय। ओए नीतू, इत्थे आ, इत्थे। क्यों यार? 25 लाख की डील मिल गई। ओए 25 लाख की? सच में? हाँ, मेरा नया फोन। गांव बसाने लुटेरे पहले आ गए। ले ले ले। सच में? हाँ, मैं अभी ऑनलाइन बुक कर देती हूँ। लेकिन सिर्फ फोन। आई लव यू, थैंक यू सो मच। देखा जी। हाँ जी। बाबा जी ने मुझे कुछ अच्छा काम करने के लिए कहा, मैंने बाई को काम पे रखा, और देखिए जी, आज आपके साथ कुछ अच्छा अच्छा हो गया जी। ओए, ये बाबा की वजह से नहीं, बल्कि परिमल और रूपल की दोस्ती की वजह से हुआ। कम ऑन, पार्टी की तैयारी करो। 25 लाख। भूपी भाई की पार्टी के रेडी। अरे ये क्या, आप काम कर रहे हैं? काम वाली बाई नहीं है क्या? नहीं, बहुत हेल्पिंग नेचर है मेरा, समझा? तेरा हेल्पिंग नेचर ना हो ना, तो शादी मत करना कभी, समझा? और सेफ्टी के लिए ना, काम वाली बाई से ही शादी करना, कम से कम भाग के तो नहीं जाएगी। हाँ हाँ, तेरे तो लगे टोटल। काम वाली बाई से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि तुम हस्बैंड लोग तो हम बीवियों को काम वाली बाई ही समझते हो ना। जो काम एक बेरहम सास करती है ना, वो इस पति ने कर दिखाया, इसलिए बीवी की जान होती है काम वाली बाई। करेक्ट। झगड़ा करके उसे भी घर से निकाल दी। अरे रे रे रे, गोल्डी। भाभी, मैंने कुछ गलत बोला? क्या गोल्डी? ना क्या गोल्डी, चुपचाप ना काम खत्म करो, वरना बाथरूम में बंद खाखरा। अरे आइए आइए, कुलकर्णी साहब, हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट। नमस्ते जी। कांग्रेचुलेशंस, फ्लैट नंबर 601, योर मेंटेनेंस ऑलवेज ऑन टाइम। गेट लॉस्ट, तुम सबके सब झूठे हो। ये आजकल के बच्चे आई ना, ये दिन भर आजकल फोन पे लगे रहते हैं। बैठिए बैठिए। वैसे आपको हमारी तरफ से भी आपके इस घर की 15वीं सालगिरह मुबारक। थैंक यू भाभी जी। भाभी जी नहीं, माधुरी, कॉल मी माधुरी। जी माधुरी जी। क्या बात है, नीतू जी नहीं दिख रही? और वो किचन में है। लाई भाभी जी को आने दो, दोनों को साथ में दे दूंगा। काफी महंगा बुके लगता है। 200 रुपए का है। तो खरीदने की क्या जरूरत थी, मैसेज कर दिया होता। अब खरीद ही लिया है तो दे ही देंगे। अच्छा। Hello everyone, let's start the party. नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नहीं, माधुरी, कॉल मी माधुरी ना। तुमसे छोटा है, भाभी जी ही कहेगा। भाभी जी, आपको अवार्ड मिलना चाहिए इनको झेलने के लिए। सोसाइटी से निकाल दूंगा, किरायेदार हो समझे, शेमलेस, पानी का नल खुला रखता है, केयरलेस, लिफ्ट का बटन दबाए रखता है, मैनरलेस, सारा दिन सोसाइटी में घूमता रहता है, जॉबलेस। और आपको तो सबसे फरियाद है, एंडलेस। कटलेस।
अरे वाह, खुशी का मौका है, इतनी कम आइटम क्यों है? और भी है और औरों के लिए भी है। कैसी लग रही हूँ मैं? बेस्ट। देखो तो सही। क्या? नीतू भाभी देखो। Congratulations भूपी भाई। Thank you. घर को भी happy happy birthday. थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। और जगुड़ी, ये घर संभालने का सारा क्रेडिट जाता है नीतू भाभी को। और मेन में मेन बात ये है कि इन्होंने ये सारा घर संभाला है विदाउट काम वाली बाइक की हेल्प। इसके लिए आपको सल्यूट है नीतू भाभी। और नीतू भाभी दुनिया की सभी औरतों के लिए एक जीता जागता सबक है। एक जीता जागता सरप्राइज भी है हमारे पास। आ, क्या नीतू? आवाज दे विनंती। आई भाभी। बाय 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 बाय। टन टन। हमारी भाई नीतू भाभी के घर में क्या कर रही है? भूपी भाई ने हमारी भाई चुरा ली, इतना बड़ा धोखा। हरा भरा कबाब, ये अच्छे हैं, लीजिए। बाय 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 बाय। वाह भूपी भाई वाह, हमारा हरा भरा घर उजाड़ के हरा भरा कबाब खिला रहे हो, वाह वाह। मतलब ये क्या है भूपी भाई, ये क्या क्या है बताइए? चाबी। ये सिर्फ चाबी नहीं है, भरोसा है, विश्वास, फेथ, एक दोस्ती का प्रतीक है। और ये वो चाबी है जो एक पड़ोसी विश्वास के साथ दूसरे पड़ोसी को देता है, उसे अपना मान के। भूपी भाई रख लीजिए ये चाबी, आप रख लीजिए, मेरे घर पे जाइए, तिजोरी खोलिए और बाकी जो बचा है वो भी लूट लीजिए। हाँ भूपी भाई, हमारी भाई तो आपने चुरा ही ली, अब हमारे घर पे डाका भी डाल दीजिए ना। रूपी भाई, आज के जमाने में दूसरी वाइफ मिलना आसान है, भाई नहीं। क्यों कुलकर्णी साहब, आपने तो दूसरी की, आपको तो पता है। यकीन नहीं होता है भूपी भाई कि मेरा दोस्त, मेरा पड़ोसी एक भाई चोर निकला। ये एक गलत बात है भूपी जी, एक काम वाली भाई किसी भी स्त्री के लिए वरदान होती है। तो हाँ? बची और आपने उस वरदान को ही छीन लिया। हार्टलेस। ची ची ची। वेरी बैड। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है? कुलकर्णी जी, आई एम क्लूलेस। एक मिनट, कोई कंफ्यूजन है भाई। देखे भाई साहब, रूपल, ये विनंती है ना, मेरे पास रोते गिड़गिड़ाते काम मांगने आई थी, तो मैंने उसको काम पे रख लिया, कौन सी गलती हो गई मुझसे? अरे भाभी जी, आपको मेरी फिक्र नहीं हुई है? मतलब रूपल की फिक्र नहीं हुई? हाँ। कमाल करती है, गजब नी नफटाई छे। सच्चे वो टाई सुना था, ये नफटाई क्या होता है? अरे नफटाई मतलब बेशर्मी। हाँ। और बेशर्मी का जीता जागता प्रतीक है ये भूपी भाई। आइए बस हमें परिमल, अब हम एक सेकंड भी यहाँ पर नहीं रुकेंगे। पर खाना बाकी है। कसम खाओ कि हम यहाँ पर पैर भी नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे भाई। रुपाल, परिमल बात तो सुन लो। नहीं, पड़ोसी के काम वाले की चोरी, शेमलेस, मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगा। चलो माधुरी। ओ एक मिनट, खाना खा कर तो जाओ कुलकर्णी भाई साहब। एक्शन लूंगा भूपी टंडन, एक्शन लूंगा। आज से सोसाइटी में अपनी अपनी काम वाले भाई को पर्सनली रजिस्टर करवाने के लिए कानून बनाऊंगा। चलो माधुरी। एक मिनट भाभी जी, तुसी समझा दो। भाभी जी नहीं, माधुरी, कॉल मी माधुरी ना। माधुरी, चलो अब। भाई साहब सुन, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विनंती। नहीं, ये पूरा खाना वेस्ट जाएगा ना, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। ये खाना मैं घर पे पैक करके लेके जाऊं? मैं क्या मर गया हूं? नीतू भाभी, इसे बता दो कि घर के बचे हुए खाने पे सिर्फ मेरा हक है। शट अप। ओ नीतू, नाश्ता लगाओ भाई। ओए रूपल के पापा। हाँ जी। अरे भूपी भाई, वो यूरोप की ट्रिप कैंसिल करवानी पड़ेगी।
क्यों, क्या हुआ? कोई काम चोर धोखेबाज मेरी बेटी रूपल के घर की काम वाली बाई चुरा के ले गया। भगवान ऐसे बाई चोर को चैन से जीने नहीं देगा, कीड़े पड़ेंगे उसे। पर एक बात बताइए कि रूपल के घर से बाई चोरी हो गई, उससे पेरिस के टूर का क्या कनेक्शन? अरे मेरी बेटी के जीवन में इतना बड़ा दुख आ गया और मैं पेरिस घूमने जाऊँ? पर टिकटें सारी बुक हो चुकी हैं, मेरे 25 लाख घुस चुके हैं। पेरिस जाना कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल करा दूं, मेरे पैसे लगे हुए हैं। हाँ तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सुनिए सुनिए तेरी, ओए नीतू, नीतू इतने आ। क्यों आया जी? ओए मैं बर्बाद हो गया, I'm finished। क्यों आया? ओए रूपल के पापा ने वो 25 लाख का टूर कैंसिल कर दिया। कब, कैसे, क्यों? क्योंकि किसी ने रूपल की काम वाली बाई को चुरा लिया इसलिए। हमने चुराई थोड़ी ना है जी। और ये पहली चोरी होगी जिसमें चोर को 25 लाख का घाटा होगा। एडवांस लिया था? और तुम से भी कमाल करते हो, एडवांस तो लेकर रख लेना चाहिए था। हाँ भाई, वो एडवांस से याद आया, कुछ एडवांस मिलेगा? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.